प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। मॉनसून सत्र से पहले सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी। जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। भारत सरकार राज्य सरकारों को इसके बारे में एक एडवाइजरी भी भेज चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करें। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की। ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कानूनन कार्यवाही हो रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक संघर्ष करने के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को आह्वान दिया। तृणमूल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया था, जबकि जेडीयू के नेता व्यस्त कार्यक्रम की वजह से शामिल नहीं हुए। जो संयुक्त विपक्ष के सरोकार और चिंताएं हैं, उससे हम प्रतिबद्ध हैं। शरद यादव जी किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से और बिहार के सांसद बाढ़ में लगे कार्यक्रमों में, राहत कार्यों में लगे होने की वजह से दिल्ली में उपस्थित नहीं है। पीएम ने बैठक में जीएसटी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, साथ ही सभी दलों से अपील की कि वे मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। ऐसे मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिनकी एक तरह से कहा जाए तत्काल समय में बड़ी चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर चर्चा की। सोमवार 17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में मॉनसून सत्र के अलावा राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा हुई।